दोस्तों आज हूँ मैं मोटरक्राफ्ट में मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम में। दोस्तों आज है हमारे पास मारुति सुजुकी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार, जिसका काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों ये गाड़ी अब सीएनजी मॉडल में लॉन्च हो चुकी है और आज है हमारे पास मारुति सुजुकी बलेनो। दोस्तों ये बलेनो का एक डेल्टा वेरियंट है जिसकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस जो है 8,28,000 रुपये है। दोस्तों ये जो गाड़ी है बहुत ही किफ़ायती है और हमें सीएनजी में काफ़ी अच्छे माइलेज प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी जो है इसकी माइलेज 30 किलोमीटर पर केजी क्लेम करती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पे हमें मारुति का ड्यूल जेट के सीरीज़ का ड्यूल जेट इंजन हमें देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों है 1200 cc का इंजन। दोस्तों काफ़ी हैवी है हमारे पास ये जो बोनट है गाड़ी का, तो हमें दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है 1200 cc का के सीरीज़ का ड्यूल जेट इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इसकी पेट्रोल में बात करूं तो 88 PS की पावर जनरेट करता है और 113 न्यूटन मीटर का हमें यहाँ पे टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं सीएनजी पे स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सीएनजी में ये हमें 78 PS की पावर जनरेट करता है और इसके साथ में 98 Nm का टॉर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी पावर हो जाती है। 1200 cc का इंजन है और कंपनी फिटेड सीएनजी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी माइलेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम इंजन के अंदर की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ पर हमें सीएनजी का ECU मिल जाता है और इसी के साथ में इस वाली जगह पे हमें रिड्यूसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली मारुति सुजुकी ने कितनी अच्छी तरीके से इतनी बढ़िया नीट एंड क्लीन फिटिंग करी है। दोस्तों एक और कमाल की बात ये है, दोस्तों नीचे से अगर आप देखेंगे तो इंजन जो है इंसुलेटेड है। आप देखते हैं कुत्ते बिल्ले जो होते हैं, खरगोश वगैरह हमारे घर में होते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं नीचे से इंजन के अंदर घुस जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम रहती है कि आपका इंजन में प्रॉब्लम हो जाए या फिर उन्हीं की जान ना चली जाए। दोस्तों ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, मारुति ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि नीचे से इंसुलेशन दे दिया है ताकि नीचे से कोई भी जानवर जो है आपकी गाड़ी में ना घुसे और किसी भी तरीके से जानवर का नुकसान ना हो। और दोस्तों अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों जो बोनट है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पहले से काफ़ी हैवी यहाँ पे बोनट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइट है, बहुत ही शानदार यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है, काफ़ी लंबी एजेस लाइट्स के हैं। अगर मैं बात करूँ मेन हेडलाइट की, तो इसी लाइट के अंदर हमें हाई बीम और लो बीम दोनों देखने को मिलती है। दोस्तों इस वाले वेरिएंट में हमें यहाँ पे DRL नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हमें मेन लाइट इंडिकेटर और इसी के साथ में पार्किंग लाइट देखने को मिलती है। दोस्तों हमें यहाँ पर फोग लाइट भी लैम्प भी नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया ये वाला हमारा जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है, जिसमें हमें फोग लैम्प और DRL देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ग्रिल की बात कर लेते हैं, इसकी जो शाइन है वो काफ़ी अच्छी है, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी थोड़ी बड़ी सी देखने को मिल रही है। पहले हमें थोड़ी छोटे में मिलती थी तो इतना वो मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छा लुक गाड़ी का हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पे सुजुकी का लोगो थोड़ा बड़ा कर दिया है, काफ़ी अच्छा लुक अब हमें दे रहा है। क्रोम दोस्तों बहुत ही चमक रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और चौड़ी हो गई है थोड़ी सी, तो काफ़ी अच्छा एक लुक दे रही है। दोस्तों अगर अब मैं बात करूं टायर्स की, दोस्तों हमें यहां पर अपोलो के टायर्स मिलते हैं 185/65 R15। दोस्तों R15 के हमें यहां पे टायर्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ये एक डेल्टा वेरिएंट है, जिसमें हमें अलॉय व्हील्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमें स्टील रिम्स देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि व्हील कवर काफ़ी अच्छे हैं, तो इतनी गाड़ी बुरी भी नहीं लगती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट है, इसके अंदर हमें सिर्फ आगे वाले टायर्स में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं पीछे वाले टायर्स की, वहां पर हमें सिर्फ ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, आगे हमें सिर्फ डिस्क ब्रेक देखने को यहां पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल में हमें ORVM पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही एक क्लासी लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है, जो कि हमें देखते हैं एक प्रीमियम फीचर में आता है, ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं होता है। सारी गाड़ियों में हमें फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में हमें ORVM पे LED में दिया गया है दोस्तों, ये जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों अगर मैं साइड प्रोफाइल में बात करूं तो यहाँ पे जो डोर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब पहले से काफ़ी इम्प्रूवड है, लेकिन एक चीज़ की मुझे कमी लगी दोस्तों, वो यहाँ पे क्रोम वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे कोई क्रोम वगैरह नहीं प्रोवाइडेड है। बट ठीक है, डेल्टा वेरिएंट है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक्स है और काफ़ी अच्छी भी क्वालिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग में तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमें फील हो रहा है। लेकिन अभी दोस्तों अभी तक NCAP का आपको पता ही है कि अभी क्रैशेस नहीं हुआ है, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह पाएंगे कि सेफ्टी रेटिंग में कितनी हमें प्रोवाइड करती है और किस तरीके की हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें गाड़ी में शार्क फिन एंटीना तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशनल नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी अच्छी आपको FM की रेंज
आपको प्रोवाइड हो जाती है। और भाई अगर इसके अंदर अगर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता ना तो दोस्तों लुक जो है वो काफ़ी तगड़े लेवल की हो जाती, बहुत ही अच्छी देखने को मिलती। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्यूल लिड की। फ्यूल लिड दोस्तों हमें दबाने से नहीं खुलेगा, अंदर से ही हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं फ्यूल लिड ओपन करता हूँ तो पेट्रोल फिल करने के लिए भी हमें यहीं पर मिल जाता है और साथ में सीएनजी नोजल भी हमें यहीं पर मिल जाती है। दोनों एक साथ ही हैं तो एक ही जगह से हम दोनों चीज़ें फिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमें सीएनजी कंप्लायंस प्लेट भी मिल जाती है, सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में दोस्तों सेफ्टी फीचर में एक यहाँ पे हमें स्विच मिलता है कि दोस्तों अगर हमारा फ्यूल लिड जो है वो बंद नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तब तक हम गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा उसी कंडीशन में ही मेरी गाड़ी जो है स्टार्ट होगी। तो भाई यहाँ पर तो उन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई जो लोग अपनी चोट जमाना चाहते हैं, मतलब चलाएंगे सीएनजी लेकिन दिखाएंगे नहीं कि हम सीएनजी चला रहे हैं। कंप्लायंस प्लेट भी अंदर दे दिए, नोजल भी यहीं पर है तो कुछ नहीं पता चलेगा, स्टिकर हटा दो तो पता ही नहीं चलेगा सीएनजी चला रहे हैं या फिर पेट्रोल चला रहे हैं। तो चलो अब दोस्तों पीछे के लुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ब्रेक लाइट में एलईडी देखने को मिल जाती है, साथ में यहाँ पर हमारे पास रिवर्स लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों रिफ्लेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया गया है। इसी के साथ में हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट है, इसमें हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि रिवर्स करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बलेनो की बेजिंग है। दोस्तों पीछे में एक और जो चीज़ है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, वो है दोस्तों एक ही मिनी स्पॉयलर मिल जाता है, साथ में हाई माउंट स्टॉप लैंप भी हमें देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों जो स्पॉयलर है इसका भी लुक काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे हमें रियर माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में दोस्तों जो हमारी रियर विंडशील्ड है इसमें हमें मिल जाता है रियर डिफॉगर। दोस्तों ये जो आपको लाइंस दिख रही होंगी ये रियर डिफॉगर है। यहाँ पे हालांकि हमें वाइपर देखने को नहीं मिलता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है जिससे आपकी विजिबिलिटी पीछे की जो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। दोस्तों अब हम आ गए हैं वीडियो के उस पार्ट में जिसका आप सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों हम सीएनजी गाड़ी जब लेते हैं तो हमारे मन में ये डाउट बहुत रहता है कि यार कितना स्पेस बचेगा, आखिरकार कितना हमारे पास स्पेस रहेगा कि हम सीएनजी भी डलवा लें, सीएनजी की माइलेज का फ़ायदा भी उठा लें और हमारे पास कितना स्पेस बचे कि हम उसमें लगेज भी रख पाएँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका बूट स्पेस। हमें दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है मैग्नेटिक रिलीज बटन, मैं सिंपली यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा और बूट हमारा अनलॉक हो चुका है। इसके बाद में मैं ऊपर इसको हल्का सा करूँगा और ऊपर पूरा बूट जो है ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाता है जिसमें पूरी तरीके से बूट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा सीएनजी का सिलेंडर जो कि 55 लीटर वाटर कैपेसिटी में आता है, मतलब तकरीबन 11 किलो तक इसमें गैस आप स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों है हमारी स्टेपनी। स्टेपनी को दोस्तों कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ताकि स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से हो सके। और यहाँ पर है लॉकिंग बार, यहाँ से अनलॉक करके मैं ईजिली इसको रिमूव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। टायर जो है मेरा सीधा का सीधा निकल जाएगा और वापस से अगर मुझे लगाना है तो यहाँ से मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छी दोस्तों यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि जो बूट है वो कितना हमारे लिए अवेलेबल है। और दोस्तों यहीं पे सिलेंडर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कट ऑफ वॉल्व मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपना स्विच कट करेंगे तो तुरंत यहाँ से गैस भी जो है निकलनी बंद हो जाएगी। दोस्तों अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली कितना हमारे पास स्पेस बचता है। अगर मैं एक नॉर्मल हमारे जो इसे जैसे कहते हैं पिट्ठू बैग, इसको पिट्ठू बैग को अगर मैं देखूँ तो दोस्तों ये वाला जो बैग है यहाँ पर अगर आपके पास सामान कम है तो यहाँ पर ये आसानी से फिट हो जाएगा। अभी तो काफ़ी कम सामान है लेकिन थोड़ा और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी थोड़ा स्पेस है, तो इसमें अगर और सामान होता तो यहाँ तक आप आसानी से इसको भर के यहाँ पर रख सकते हैं। और ये जब मैं नीचे करूँगा तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस लाइन से ये नीचे है। पार्सल ट्रे भी यहाँ पर आसानी से रखी जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं वही बात करूँ दूसरे साइड की तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बड़ा बैग जो कि एक ट्रैवलर बैग होता है उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंदर इधर भी स्पेस है और यहाँ पर हाइट तक काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं। मतलब एक जो मीडियम साइज़ का जो एक ट्रैवलर बैग होता है उसको आप रख सकते हैं और इस तरीके के बैग तो इसमें दो तीन आ जाएंगे आराम से। मतलब दोस्तों सीएनजी है, सिलेंडर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वही है थोड़ा सा स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बट सिलेंडर होने के बाद भी 11 किलो का सिलेंडर होने के बावजूद भी आपको स्पेस ठीक ठाक इसके अंदर मिल जाता है। दोस्तों हमारे हिसाब से तो इसमें बूट स्पेस काफ़ी ठीक देखने को मिल जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इसका बूट स्पेस कैसा लगा, क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नेक्सा की कोई भी कार खरीदने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ये शोरूम विजिट कर सकते हैं जो कि है मोटर क्राफ्ट नेक्सा जो कि है साहिबाबाद में। तो हमारे रेफरेंस के थ्रू अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो भी कार जिस भी कार पर आप इंटरेस्टेड हैं वो कार आप यहाँ से खरीद सकते हैं नेक्सा की। दोस्तों बहुत ही कॉपरेटिव स्टाफ है, काफ़ी अच्छा हमारा भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, तो आप यहाँ पर आके अपनी कार बुक कर सकते हैं। बाकी मैं शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल्स लें और हमारे रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ से डायरेक्टली विजिट करके कोई भी कार परचेज कर सकते हैं।
चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम साइड प्रोफाइल है जैसे कि हमने पहले साइड प्रोफाइल की बात की थी। अब चले दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं शांति में, मतलब दोस्तों बहुत ही साइलेंट कैबिन है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, लेकिन दोस्तों डेल्टा वेरिएंट है जैसे कि मैंने बताया था, तो इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों सीट्स को सिंपल हम आगे पीछे और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सीट की हाइट एडजस्ट करने का इसमें ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है अभी। दोस्तों अगर मैं इसमें लेगरूम की बात करूँ तो मैं पहले सीट को पूरा पीछे कर लेता हूँ। तो क्या बात है दोस्तों, ये तो सोने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब अभी मैंने सीट को पीछे कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल है। मतलब मैं अगर टांगों को फैला कर भी रखूँगा तो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों मेरी 5'8" मेरी हाइट है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस हमें मिल जाता है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो अगर मतलब अगर बम्प पे अगर गाड़ी उछल भी जाएगी तब भी मेरा सर ऊपर नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है। और अगर मैं इसको भी अगर पीछे गिरा दूँ तो मज़े ही हैं भाई, मतलब बिल्कुल सोने वाली कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं इसको आगे करूँगा तो बहुत ही अच्छा इसमें मैनेजमेंट मिलता है। तो दोस्तों सीट मैनेजमेंट इसमें काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि इतनी नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेगरूम तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब दिक्कत फिर वो पीछे वाले पे शिफ्ट हो जाएगी। पीछे जो पर्सन बैठेंगे उनके लिए सर जो लेग स्पेस है वो कम हो जाए, फिर भी दोस्तों 6 फुट वाले बंदे के लिए लेग स्पेस में तो कोई कमी नहीं आने वाली है ड्राइवर सीट पर। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके स्टेयरिंग की, तो हमें यहाँ पे डी कट स्टेयरिंग देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे हमें म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे म्यूट और मोड और प्लस माइनस वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास हॉर्न मिलता है, कुछ इस तरीके का हमें हॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कॉल पिकअप करने के, कट करने के, तो यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ में ये दोस्तों जो स्टेयरिंग है वो हम ये एक टिल्ट स्टेयरिंग है, मतलब आपको अप एंड डाउन कर सकते हो, टेलीस्कोपिक इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रीमियम फीचर है वो है दोस्तों वॉइस कमांड। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वॉइस कमांड, हालांकि इसमें अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, तो फिर ये जो है ये फीचर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। दोस्तों हमें यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल का एक बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन दोस्तों हमारे पास जो MID है वो सिंगल कलर्ड है, वो मल्टी कलर्ड हमारे पास नहीं मिलती है। ये दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है हमारे पास ट्रिप रीसेट करने का स्विच, और यहाँ पे दूसरी साइड जो हमें देखने को मिलता है ये है हमारे पास, मैं अभी आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ, जो हमारी माइलेज और एवरेज और जो भी कवरेज रेंज जो होती है वो सब चीज़ें दिखाता है, वो दिखाता है दोस्तों ये वाला चीज़। जो सेंटर में हमारे दोस्तों जो MID है इसी के अंदर हमें CNG का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे ये जो स्पेस खाली बची हुई यहाँ पे हमें पेट्रोल देखने को मिलता है। जब गाड़ी CNG पे होगी तो यहाँ पे CNG हमें शो करेगा, पेट्रोल पे होगी तो यहाँ पे हमें पेट्रोल शो करेगा। साथ में यहाँ पे बार भी शो कर रहा है जिसके अंदर कितना पेट्रोल या कितने CNG हमारे पास अभी अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास RPM मीटर और ये स्पीडोमीटर हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें खाली एक स्विच मिलता है जो फ्यूल या फिर CNG, मतलब पेट्रोल या फिर CNG पे अगर हमें स्विच करना हो तो यहाँ पे सिंगल प्रेस से हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा लॉक एंड अनलॉक के लिए स्विच है, और इसी के साथ में अगर मैं नीचे कंट्रोल्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर चारों खिड़कियों में हमें पावर विंडो देखने को मिलती है, चारों खिड़कियों में ही पावर विंडो देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी और कमाल की बात हो जाती है। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों एक और मस्त चीज़ जो है वो अभी आप देखिए, ये क्या बात है, मतलब इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM हमें यहाँ पे मिलते हैं। सिंगल मैं अगर बटन प्रेस करूँगा उसके बाद मेरे जो ORVM है वो फोल्ड हो जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर मैं लेफ़्ट या राइट किसी कौन से को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं जैसा मैं चाहूँ उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट उनको कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें AC के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी लुक है इनके भी, एक यहाँ पर है, दो हमारे सेंटर में मिल जाते हैं और एक हमारे उस वाले डायरेक्शन में हमें AC वेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बीच में हमारे पास 60,000 लाइट का स्विच है। और दोस्तों अगर मैं IRVM की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें नॉर्मल मैनुअल IRVM देखने को मिलता है, मतलब अगर आपको नाइट मोड में शिफ्ट होना है तो यहाँ से आपको खुद ही ये इस स्विच से करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं सनवाइजर की बात करूं तो ड्राइवर साइड हमें टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता है, वहीं पर कंडक्टर साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक वैनिटी विरन हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों सेंटर में यहाँ पे कैबिन लाइट है जो कि काफ़ी ब्राइट है, देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें फोटो फोल्डेबल हैंडल भी देखने को मिल जाता है।
जो कि ड्राइवर साइड नहीं होते हैं, स्मार्ट चीज है। दोस्तों बीच में अगर हम देखें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो हमें टच में देखने को मिलता है पूरी तरह से। यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स जो है कर सकते हैं। तो मैंने पावर ऑफ की तो यहाँ पे क्लॉक आ गई, पावर जैसे ऑन के तुरंत जो है चल गया। इसके बाद में आप ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, FM डायरेक्टली चला सकते हैं। और दोस्तों इस सिस्टम का नाम है स्मार्ट प्ले प्रो। जो अपर वेरिएंट्स हैं इस कार के उसमें आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिलता है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मारुति सुजुकी बैलेनो में किस तरीके के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ की मदद से, और यहाँ पर मैं मीडियम सेटिंग्स में रखने वाला हूँ म्यूज़िक की। अभी मैं सॉन्ग प्ले करूँगा, आप देख सकते हैं किस तरीके की आवाज़ होने वाली है। तो दोस्तों अभी आपने सुनी इनकी स्पीकर्स की आवाज़, जो कि दोस्तों काफ़ी तगड़ी आवाज़ है। नॉर्मल सेटिंग्स में ही दोस्तों काफ़ी अच्छी बेस हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों आपको शायद आवाज़ थोड़ी बहुत हो सकता है कम आई हो, क्योंकि माइक लगा हुआ है, अभी हम माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो हो सकता है नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपको थोड़ी कम आई हो। बट यकीन मानिए बहुत ही तगड़ी इसके अंदर बेस आती है और काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी, मतलब आपको अलग से बेस ट्यूब रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो ये देखने को मिल रहा है ये है हार्ड प्लास्टिक विद ग्लॉसी फिनिश, जो कि काफ़ी अच्छा लुक इस गाड़ी का कर देता है। और दोस्तों ये है हमारा ग्लो बॉक्स, इसके अंदर भी स्पेस ठीक है, हालांकि दोस्तों ये कूल्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल हमें ये ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं एसी की बात करूँ तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो स्विचेस दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी के लगते हैं। और यहाँ पे जो फ़ैन की स्पीड है वो अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो उसके लिए मुझे जो स्विचेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे स्विच हैं, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और दोस्तों डेल्टा वेरिएंट में ही हमें यहाँ पे रियर डिफोगर भी मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट और रियर डिफोगर मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आप एयर को कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ चाहते हैं आप। अगर दोस्तों मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे एक USB के लिए हमें सॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली USB कनेक्ट करके आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे कप होल्डर है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे हमें 5 गियर नॉब मिल जाती है। यहाँ पे हमें कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, अगर आपको कोई सामान है तो आपको यहीं ऊपर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके लिए सिर्फ यहाँ पे स्टोरेज है। अगर यहाँ पे आर्मरेस्ट होता तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाता तब तो। तो दोस्तों ये है अंदर से। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 4 स्पीकर देखने को मिलते हैं, ट्विटर वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर मैं फ्रंट डोर की बात करूं तो इसमें यहां पर हमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे सारी ही पावर विंडोज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे हमें सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यहां पे यूज़ किया गया है, हालांकि कलर मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। जो दोस्तों ये दोस्तों हार्ड प्लास्टिक है। बात करूँ यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर आप अपना स्टफ़ कपड़ा वगैरह कुछ डाल सकते हैं, हालाँकि यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर हमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा फ्रंट स्पीकर है। दोस्तों अगर आपको अपना बोनट ओपन करना है तो बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, साथ में फ्यूल लिड ओपन करने के लिए भी यहीं पे साथ में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना हो तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो है जो कि अभी मैंने नोटिस की वो है दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाता है एक डेड पैडल, दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब डेड पैडल क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन में बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे डेड पैडल हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, मतलब ड्राइवर्स ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ये क्या है। मतलब क्लच यहाँ पे मैं अगर छोड़ता हूँ तो आराम से यहाँ पे डेड पैडल पे अपना पैर रख सकता हूँ, जिन भाइयों की आदत होती है पैर रखना उनको डेड पैडल पे आप पैर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। दोस्तों कुछ इस तरीके की हमें यहाँ पे की देखने को मिलती है, जो कि आपने मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर या पहले वाली जो बलेनो आती थी उसमें भी ऐसे ही देखने को मिलती है। तो चाबी में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है, लॉक एंड अनलॉक यही दो इसमें दिए गए हैं, तो कंपनी की तरफ से हमें ये जो वाली जो है चाबी देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ, बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी लीवर वगैरह नहीं दिया गया है, पीछे ही जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक रिलीज बटन वही है, बस उसी से ही आप जो है अपनी गाड़ी का बूट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ ये आता है। अब दोस्तों चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई अब हम आ चुके हैं पीछे। मैं भाई की बात करूँ तो भाई की हाइट जो है 5 फुट 8 इंच है, और पीछे बैठने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो हेडरूम है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है, और जो आगे ये जो सीट है ये बिल्कुल हमने पीछे कर दिया है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल भी गैप नहीं बचा हुआ है। दोस्तों अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो यहाँ पर तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बाइक की हाइट वजह से मैंने बताया 5 फुट 8 इंच है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही 1 या 2 इंच का जो स्पेस है वो बचा हुआ है, 6 फुट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ लेग रूम की, तो लेग रूम में दोस्तों सिर्फ 1 इंच ही गैप बचा हुआ है, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो सीट है वो बिल्कुल पीछे है। अगर आगे कोई ऐसा इंसान बैठता है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, हालाँकि दोस्तों स्पेस जो है आगे है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस बंदे को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पीछे वाले को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सीट अगर थोड़ी मीडियम पोजीशन में जाएगी तो पीछे वाला बंदा भी आराम से बैठ सकता है। अभी मैं बात करूँ मेरे लेग रूम की, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी हाइट भी 5 फुट 8 इंच है, तो जो सीट है वो नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग सेट है यहाँ पर, ये जो ड्राइवर सीट है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेग रूम बचा हुआ है, और हेडरूम तो वही रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अभी मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ फीचर्स की थोड़ी दोबारा से। यहाँ पे दोस्तों रियर में एसी वेंट्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बस आपको एक चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट वाला मिल जाएगा, जो नीचे से आप कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको नहीं मिलता है। वरना आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है, आप फ़ोन या पर्स वगैरह कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एसी वेंट्स की जगह पे स्टोरेज ही रख दी गई है डेल्टा वेरिएंट में, तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी पीछे की खिड़की में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सॉफ्ट टच हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमें ये देखो इलेक्ट्रिकली पावर विंडोज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पे बोतल होल्डिंग स्पेस भी यहाँ पे मिल जाता है, साथ में यहाँ पे खिड़की में ही हमारे यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। दोस्तों हमें जो यहाँ पर सीट मिलती है वो 60-40 स्प्लिट में मिलती है, और दोस्तों यहाँ पर हमें कोई आर्म रेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता है। हालाँकि दोस्तों हमें यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी के लिए हुक्स दिए गए हैं, जब मतलब आप जो सीट्स वगैरह होती है उनको यहाँ पर आप लगा कर, मतलब बच्चों की जो सीट्स होती हैं वो उसको लगा सकते हैं, और सीट बेल्ट आपको देखने को मिलती है, ये दोस्तों बाहर ही है, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी बलेनो डेल्टा वेरिएंट में सीएनजी मॉडल का पूरा कच्चा चिट्ठा। अगर दोस्तों आप भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मोटर क्राफ्ट साहिबाबाद नेक्सा में ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी सारी प्रोवाइड कर दी हैं। और अगर आप भी कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उस पर कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, कुछ मतलब 1 लाख रुपये तक अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें, और उसके बाद में पेट्रोल डीजल या सीएनजी में अगर कन्फ्यूज है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी बलेनो कार खरीदना चाहते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।